यस इट इज़ मेड फॉर किड्स और नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, यानी कि ये दो ऑप्शन बहुत सारे लोगों को दिखते हैं और जो न्यू बिगिनर्स हैं उन लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होता कि ये क्या है। तो आज के दिन इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए, मैं आप लोगों को आज के दिन इस वीडियो में बता दूंगा कि ये क्या है, सिंपल सिंपल स्टेप में बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाए। आइलैंडटेक चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। कुछ सवाल होगा, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आप लोगों को रिप्लाई और हेल्प जरूर करूँगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या है ये दोनों ऑप्शन। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन जो है ये कोपा के अंडर आता है, यानी कि चिल्ड्रेन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंडर, यानी कि जैसे कि 18 इयर्स के नीचे या 18 इयर्स के ऊपर जो लोग होते हैं उसके लिए आप लोग वीडियो बना रहे हैं या नहीं इसके ज़रिए पता चलता है और इसके तहत लोग आपकी वीडियो देखते हैं। दोस्तों जैसे कि जिन लोगों को पता नहीं है कि वो लोग अपना जैसे कि कैसे पता करेंगे कि हमारा जो वीडियो है वो कौन कौन से कैटेगरी के लोग देखते हैं, यानी कि कितने साल से लेके कितने साल के बीच वाले लोग देखते हैं, जैसे कि 18 इयर्स के नीचे या 18 इयर्स के ऊपर के सब लोग वीडियो आप लोगों के देखते हैं। अगर 18 इयर्स के ऊपर के आप लोगों का वीडियो कोई देखता है तो वो होता है नॉट मेड फॉर किड्स, यानी कि बच्चों के लिए ये जो वीडियो है ये कंटेंट नहीं बना है। और अगर आप लोग 18 इयर्स से नीचे के अगर वीडियोस लोग आपके देखते हैं तो यस इट इज़ मेड फॉर किड्स, यानी कि ये जो वीडियो आपने बनाया है ये बच्चों के लिए है, यानी कि ज़्यादा अगर बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं देख रहे हैं तो ये बच्चों के लिए है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर बच्चे देख रहे हैं तो यस इट इज़ मेड फॉर किड्स, और अगर बच्चे नहीं देख रहे हैं यानी कि 18 साल के ऊपर के लोग अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप लोग नो यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स ये वाला अगर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को नीचे और दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला होगा एज रिस्ट्रिक्शंस और दूसरा होगा नो एज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इन दोनों में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब समझ लीजिए जब आप लोगों ने नॉट मेड फॉर किड्स कर दिया तो ये अब इसका मतलब ये हो गया कि अब आप लोगों का जो भी वीडियो है अब वो 18 ईयर्स के ऊपर वालों के लिए ही है, फिक्स 18 ईयर्स वालों के लिए ही है। लेकिन 18 ईयर्स के जो नीचे हैं वो लोग भी आपकी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमारा जो वीडियो है ये 18 ईयर्स के ऊपर वालों के लिए है। लेकिन इसके अंदर जब आप लोग सिलेक्ट कर देते हैं नॉट मेड फॉर किड्स तो आप लोगों को नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए बोलता है, दूसरा है नो रिस्ट्रिक्शन यानी कि रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। यानी कि पहला वाला ऑप्शन का मतलब ये है कि जब आप लोग पहले वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे यस कर देंगे तो इससे ये होगा कि जो 18 ईयर्स के ऊपर वाले हैं लोग जिनका 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है वही आप लोगों की वीडियो को सिर्फ देख पाएंगे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो है उसमें वो उसको अगर सिलेक्ट कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई भी आप लोगों का वीडियो देख सकता है भले वो 18 ईयर्स के नीचे हो या 18 ईयर्स के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने उसके अंदर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। तो इस तरह से कोई भी इस वीडियो को आपकी वीडियो को देख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा डिटेल में मैंने शॉर्ट में अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। दोस्तों अगर आप लोगों का कुछ और सवाल है नीचे कमेंट करना, आइलैंडटेक चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।